दोस्तों यह है इंडियन हुल्ब स्नेक, जो एक आदमी के यहाँ दरवाजे में चिपक गया था और इसको मैं निकाला और इसको हल्दी लगा रहा था। चींटियाँ परेशान कर रही थी, इसने मुझे बाइट कर दिया। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये नॉन वेनम स्नेक होता है। गांव में लोग इसको चीतर, लोहारिन, पता नहीं किस किस नामों से जानते हैं, लेकिन यह है इंडियन हुल्ब स्नेक। इसमें वेनम नाम का कोई चीज़ नहीं होता है ये, और ये काटने में बड़ा ही माहिर होता है। इसके जो दांत हैं वो इतने नुकीले होते हैं कि थोड़ा सा भी लगाएगा तो पकड़ में आ जाएगा। इसका जो वेनम है वो छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों पे असर करता है उसको बचाने के लिए। इसको ऐसा कोई नहीं दिखाइए, देखिए इसके दांत लगे हैं। और अभी इसको धुल देंगे बस, उसके बाद इसे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये नॉन वेनम स्नेक है। अभी देखो ये दिख रहा होगा आपको, इसको धुलाई कर देते हैं और इसको ले चल के कहीं छोड़ेंगे। अभी ये इंडियन हुल्ब स्नेक है। ऐसा सांप कभी किसी को बाइट कर जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके काटने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों इसी में से एक कॉमन क्रेट होता है, वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो ब्लैक होता है, ब्लैक भूरा भी होता है, और उसके काटने से जो है काफ़ी ज़्यादा वेनम उसमें होता है, जो कोबरा से 10 गुना घातक जहरीला है। ऐसा सांप कभी किसी को बाइट कर जाए तो झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहें और ना ही किसी को झाड़ फूँक की सलाह दें। ये इंडियन हुल्ब स्नेक है और ये दादा कह रहे हैं हम इसको ले जाके अभी छोड़ देंगे तो हम इन्हें दे दें।